फिर से आप सभी का स्वागत है। कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी। 2013 से 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि नियम के मुताबिक एक नर्स को 6 बेड देखने चाहिए, लेकिन यहाँ एक नर्स 10 से 43 बेड देख रही है। देखभाल की गुणवत्ता भी बेहतर नहीं बताई जा रही है। आकस्मिक सेवाएं, वेंटिलेटर सेवाएं, इंफ्यूजन पंप्स, अल्ट्रासाउंड और आर्टेरियल ब्लड गैस विश्लेषण मशीन जैसे आवश्यक उपकरण में कमी बताई गई है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि कम संसाधन में करोड़ों लोगों का इलाज किया जा रहा है। यह सच है कि परेशानियां ज्यादा है, लेकिन हमने स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाया है। आने वाले समय में व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पुराने ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, 2013 से लेके 2018 तक आपने बताया है, 17-18। तो एक चीज़ बताऊँ कि जैसे ये 23 करोड़ की जो आबादी हमारी है, उसमें हम लगभग 10 करोड़ का उपचार करा रहे हैं। पेशेंट्स हमारे जो आते हैं पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स पर, लगभग 10 करोड़ के पेशेंट वहाँ पर पूरे साल में आते हैं। उनका उपचार लगातार होता है हमारा, और वो भी तब जब हमारे 6,500 से 7,000 डॉक्टर्स की कमी है, नर्सों की कमी है। सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म के